नीट परीक्षाक लई केन्द्रर डांगर घोषणा बातिल होल 1563 गराकी प्रार्थीर ग्रेस नम्बर पुनर परीक्षा दिब लागिब ग्रेस नम्बर पुआ प्रार्थी नीट परीक्षात प्रश्नकागत फादिल हुआर अभियोग खंडन करिसे केन्द्र सरकारे আজি নীট পরীক্ষার গোচরের শুনানীত কেন্দ্রীয় সরকারে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অবগত করেছে যে এইবার নীট পরীক্ষাত গ্রেস নম্বর পোয়া 1563 গৰাকী প্রার্থীর গ্রেস নম্বর বাতিল করা হয়েছে। পুনের পরীক্ষাত বহিব লাগিব গ্রেস নম্বর বাতিল হওয়া প্রার্থী। 23 জুনত অনুষ্ঠিত হব পুনের পরীক্ষা, 30 জুনত ঘোষণা করা হব ফলাফল। অর্গানাইজেশন কে বিহাফ পে जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे, जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था, और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है, और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट NTA ने आके क्लेरिफिकेशन दिया, एक कमेटी बनाई जिसके बेसिस पर कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं, ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को। तदंत समितिर परामर्शर भित्तित एई हकल प्रार्थीर नम्बर बातिलर सिद्धान्त लुआ होइसे। इफाले उच्चतम न्यायालय मेडिकल कॉलेजत नामभर्तिर बाबे काउंसिलिंग प्रक्रिया बन्ध करा नहय बुली घोषणा करिसे। उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद, कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया, और तब कुछ प्रूफ होता है, तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। ए परीक्षा हुआ बेमेजालीर बाबे CBI तदंत दाबी करिसे। पूरे देश भर में हमारा छात्र संगठन NSOI ने विरोध जताया, और मकसद एक कि 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए, CBI की जांच होनी चाहिए। आनहाते ए परीक्षार काकत फादिल हुआर अभियोग खंडन करिसे केंद्रीय सरकारे। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित। कोर्ट में हुआ है, कोई क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था, वो भी कोर्ट रिकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ आनामोली चाहिए, उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। उस सारा दलील अभी अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं, कोर्ट के सामने कोर्ट की फैसला को आने दीजिए। 6 जुलाई पूरा MBBS BDS और अन्य पाठ्यक्रम नाम भर्तिर बाबे परामर्श आरम्भ हब। প্রায় 24 লাখ শিক্ষার্থীয়ে মেডিকেল কলেজত নামভর্তির বাবে রাষ্ট্র পরীক্ষণ সংস্থায় 5 মেত অনুষ্ঠিত করা নীট পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্নকাকত ফাদিল আর গ্রেস মার্ক পোয়ার অভিযোগেরে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের উপরও 7খন উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচর তরা হয়েছিল। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, NB News।